area. So it is the surface area that is more important for life and death. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा प्रॉब्लम, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम. तो जब भी बर्न पेशेंट आता है, अगर ऑफकोर्स ट्रीटमेंट इज नॉट आस्क्ड इन द फॉरेंसिक, बट देर इज़ अ पार्कलैंड फॉर्मूला, ये भी वाइवा में शायद पूछेंगे कि हमको हर एक बर्न पेशेंट को सबसे पहले क्या देना पड़ता है, तो फ्लूइड देना पड़ता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्लूइड इज रिंगर्स लैक्टेट, आरएल करके जिसको बोलते हैं, आरएल करके जिसको बोलते हैं, मतलब कितना आरएल, क्योंकि जितना फ्लूइड लॉस ज़्यादा उतना पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा, और फ्लूइड लॉस इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया. सो कितना फ्लूइड लगना चाहिए 24 आवर्स में, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला, 4 ml इंटू वेट ऑफ द पेशेंट इंटू परसेंटेज ऑफ बर्न फॉर एडल्ट एंड चिल्ड्रन के लिए 3 ml. मतलब परसेंटेज ऑफ बर्न्स पे वो सब डिपेंड है. परसेंटेज मतलब यहाँ पे सर्फेस एरिया इज टेकन इंटू अकाउंट, सर्फेस एरिया इज टेकन इंटू अकाउंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट सर्फेस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रीटमेंट पर्पज, फॉर ट्रीटमेंट पर्पज सर्फेस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितना भी फ्लूइड कैलकुलेट होता है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लें कि पेशेंट को 30% बर्न हुआ है और उसका बॉडी वेट 60 kg है, तो उसके हिसाब से जितना भी फ्लूइड हो गया उसका आधा फ्लूइड जो है इज गिवन इन फर्स्ट 8 hours एंड सेकेंड हाफ इन नेक्स्ट 16 hours. ये पेशेंट का लाइफ सेव करेगा. ऑफकोर्स ये अपने को सर्जरी में वापस आएगा बिकॉज दिस इज अ ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ इट. फॉरेंसिक में ट्रीटमेंट कोई नहीं पूछता, लेकिन वाइवा में शायद एग्जामिनर, इफ द एग्जामिनर गेट्स इरिटेटेड कैन आस्क, एग्जामिनर गेट्स इरिटेटेड कैन आस्क अबाउट द फॉर्मूलाज. एक सेकेंड. हेलो, हो बोला ना. नहीं जुनच आहे, म्हणजे अजून मागच्या महिन्यात आला आहे. कुठे कुठे? अच्छा, नाव काय त्यांचं? हां बरं, ठीक आहे, पाठवतो. हो पाठवतो, पाठवतो. हो, सो पार्कलँड फॉर्म्युला कॅन बी आस्क्ड इन वायवा, वायवा के लिए थोड़ा प्रिपेयर कर रखो. पार्कलँड फॉर्म्युला क्या बताता है कि कितना परसेंटेज बर्न उसके हिसाब से हम लोग उसको फ्लूइड देना पड़ता है एज अ ट्रीटमेंट. फ्लूइड क्यों देना पड़ता है? क्योंकि डेथ इज बिकॉज ऑफ फ्लूइड लॉस, और वो सरफेस एरिया पे डिपेंड.